आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। एक छोटी सी नातिका राग से वैराग्य आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। चचेरे भाई थे। प्रणाम राधा जी। अरे नेमी कुमार आओ पधारो, आपको देख के चित्त प्रसन्न हो गया। मैं तो स्वयं ही काफी समय से आपसे मिलना चाहता था, परंतु राजकार्य में इतना व्यस्त रहा, आपसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं भ्राता श्री, आप व्यस्त थे तो क्या हुआ, आपका भाई आ गया है आपसे मिलने। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आओ नेमी कुमार, आज इन राजकार्यों को छोड़कर कुछ मनोरंजन करते हैं। हाँ हाँ भ्राता श्री, बताइए कैसे मनोरंजन किया जाए। आओ नेमी कुमार, हम कुछ शंका समाधान से अपना मनोरंजन करते हैं। ठीक है भ्राता श्री, आप पूछिए कोई प्रश्न, मैं कर देता हूँ आपकी शंका का समाधान। नेमी कुमार, आप हमें बताएं, संस्कृति विकृति और प्रकृति क्या है? भ्राता श्री, हमारी यदुवंशी की परंपरा के अनुसार कमा कर खाना प्रकृति है, छीन कर खाना विकृति है, और जो मिल बांट कर खाए वह हमारी संस्कृति है। अति उत्तम नेमी कुमार। अच्छा आप हमें बताएं, साधना के लिए हमें किन साधनों की आवश्यकता होती है? साधना कोई साधकों की मोहताज नहीं होती, साधना तो भावों से होती है। बहुत खूब, अति सुंदर। अच्छा नेमी कुमार, आप हमें बताएं, मनुष्य साधारण ईंट पत्थरों के मकान में रहते हैं और देवतागण अतिशयुक्त महलों में रहते हैं, जिन्हें सोचने मात्र से ही सारे साधन उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप हमें बताएं, मनुष्य और देवता में क्या अंतर है? मेरे भ्राता श्री, घर तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, परंतु अपने ईश देव का घर तो केवल मनुष्य ही बनाता है, इसीलिए तो देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। जोरदार तालियां। वाह वाह नेमी कुमार, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। चलो आइए, बहुत हुआ मनोरंजन, अब हम चलते हैं। चलिए भ्राता श्री। और श्री कृष्ण और नेमी कुमार वहां से चले जाते हैं, तो आइए देखते हैं आगे द्वारकाधीश के राजमहल का एक दृश्य, जहां पर सत्यभामा और श्री कृष्ण आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। महाराज। कहो प्रिय सत्यभामा, क्या कहना चाहती हैं? महाराज मैं अपने देवर नेमी कुमार के साथ, अपनी सभी रानियों के साथ सुनिए महाराज। कहिए प्रिय सत्यभामा, हम कहना चाहती हैं? रानियां अपने देवर नेमी कुमार के साथ जल की दाह पर जाना चाहती हैं, यदि आप आज्ञा दें तो। प्रिय आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नेमी कुमार हमारे प्रिय अनुज हैं और आपके देवर हैं,
सरह से उनके साथ जलकीड़ा पे जा सकती हैं। इसमें आपको आज्ञा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर नेमी कुमार का हमें विवाह भी तो कराना है। इसी बहाने वो नारी जातक के प्रति राग भी उत्पन्न होगा उनमें। और सभी जल क्रीड़ा मतलब होली खेलने के लिए सभी रानियां उनकी भाभियां नेमी कुमार के साथ आ जाती हैं। होली खेलो रे खेलो रे होली खेलो रे होली खेलो रे खेलो रे होली खेलो रे होली खेलो रे होली खेलो रे। नेमी कुमार के संग में सतभामा के साथ में होली खेलो रे होली खेलो रे खेलो रे होली खेलो रे होली खेलो रे खेलो रे होली खेलो रे। मत मारो शाम पिचकारी मत मारो मने पिचकारी अरे मत मारो नीली पिचकारी मत मारो नीली पिचकारी। मेरी भीग चूमर सारी रे मत मारो नेमी पिचकारी। जल क्रीड़ा करने के पश्चात अरे जल क्रीड़ा में तो मेरे सारे वस्त्र ही गीले हो गए। मेरी प्यारी भाभी श्री क्या आप मेरे वस्त्र धोके सुखा देंगी? क्या नहीं कुमार आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आप अपना शैया पर चढ़े हैं? क्या आपने संगम नाम दंड चलाया है जो मैं आपके वस्त्र से वस्त्र साफ करूं? यदि आपको अपने वस्त्र साफ करवाने का इतना ही शौक है तो जाइए ढूंढ लाइए कोई काम ही नहीं। भाभी श्री महाराज कृष्ण के जिस पौरुष की बात आप कर रही हैं अभी करके दिखा देता हूं। प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं नेमी कुमार। मुंह से क्या नाक से उन्होंने शंख बजा दिया नाक से। इतने अतुल बच्चे के घरे मुंह से बजाना मुश्किल है नाक के स्वर से शंख को बजाया। और हाथ से छोड़िए उन्होंने एक पैर से चक्र को सुदर्शन चक्र को चढ़ा दिया। और जो उनकी भाभी ताने मान रही थी कि हमारे पति बलशाली नेमी कुमार ने दिखा दिया कि बल क्या होता है। देख रहे हैं ये आवाज कहां से ये आवाजें कहां से आ रही हैं?
ये धरती क्यों कंपायमान हो रही है, ये धरती क्यों कंपायमान हो रही है? ये पहले जैसा वातावरण क्यों बन गया है? नीमू कुमार शांत, नीमू कुमार शांत, आपकी गर्जना से तो पूरा नगर ही भयभीत हो गया है, शांत हो जाइए। ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी जोरों से गरज रहे हैं? भ्राताश्री कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी भाभी श्री के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। अरे रीमी कुमार, आप भी कैसी बातें करते हैं, ये महिलाओं की बातों पे, स्त्रियों की बातों पे इतना क्या रोष दिखाना, छोड़िए इन बातों को, आइए चलते हैं। और नेमी कुमार और कृष्ण वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेमीनाथ के माता पिता श्री कृष्ण से नेमी की शादी के बारे में वार्तालाप करते हैं। महारानी आप क्या सोच रही हैं? हे स्वामी, हमारा पुत्र नेमी कुमार अब विवाह योग्य हो गया है, परंतु ना जाने क्यों वो अभी से ही आत्मा और परमात्मा की बातें करने लगा है। महाराज उसका मन वैराग्य हो रहा है। महाराज अब आप ही कुछ कीजिए जिससे हमारा नेमी कुमार विवाह के लिए राजी हो जाए। सुनो प्रिय, हम कृष्ण को बुलवा भेजते हैं, उन्हें सारी बातें अच्छी तरह समझा देते हैं। कृष्ण नेमी कुमार का भ्राता है और उनकी बात को अच्छी तरह समझ भी सकता है। जी महाराज, यही उत्तम रहेगा, शीघ्रता कीजिए, बुलवा लीजिए श्री कृष्ण को। द्वारपाल जाओ, श्री कृष्ण को बुलवा भेजो। द्वारपाल को समुद्र भेजा महाराज। महाराजा समुद्र विजय आदेश देते हैं। वासुदेव पुत्र आपको महाराज ने बुलाया है। समुद्र विजय, माँ शिवा देवी दोनों खड़े हैं और नारायण श्री कृष्ण आते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र, कहिए कैसे याद किए? कृष्ण पुत्र, कहिए महाराज। हम चाहते हैं कि आप नेमी कुमार को विवाह के लिए राजी करें और उनके शादी का प्रस्ताव लेकर जूनागढ़ के महाराज अग्रसेन के पुत्री राजुल के लिए जाएं। अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है आपका, हम अभी जाकर जूनागढ़ में खबर पहुंचाते हैं। आज्ञा महाराज। कृष्ण के कहने पर उनकी रानियां नेमी कुमार को विवाह के लिए राजी कर लेते हैं और कृष्ण शादी का प्रस्ताव लेकर जूनागढ़ पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। महाराज वासुदेव पुत्र आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज आपको महाराज ने आमंत्रित किया है। चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम
राम श्री कृष्ण प्रणाम माते। यह तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप मेरे द्वार पधारे। कहिए कैसे आना हुआ? महाराज, मैं आपकी पुत्री राजुल के लिए अपने प्रिय अनुज नीमू कुमार के विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। अगर आप सहमत हो तो हम तैयारी करें। मुझे तो लगता है ये मेरी पुत्री के पूर्ण जन्म के कोटि कोटि पुण्यों का प्रभाव है कि उनको नेमी कुमार जैसे उत्तम राजकुमार का साथ मिलेगा। हमें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। बहुत उत्तम, अति उत्तम। प्रिय, मैं विवाह की तैयारियां की जाए। मैं ये समाचार अभी पूरे नगर में देता हूँ। प्रिय, चलो विवाह की तैयारियां की जाए। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। जी महाराज, ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी एकलौती पुत्री राजुल का विवाह नेमी कुमार जैसे महाराज के साथ होने जा रहा है। मैं पूरी नगरी को एकदम दुल्हन की तरह ही सजाऊंगी। और अब नेमी कुमार को विवाह के लिए तैयार किया जा रहा है। और आइए, उनकी भाभियां उन्हें कैसे तैयार करती हैं, ये देखते हैं दृश्य आप सभी। भगवान नेमीनाथ को सजाया जा रहा है। महलों में बहुत भीड़ आई हुई है, तालियां बजा रही है सजते हुए देखकर नेमीनाथ भगवान को। विकास भैया भी आगे आ जाएंगे, आइएगा। ओ हरियाणा बन्ना, हरियाणा बन्ना, सहरा बांधी कर आ। महाराज सबल विजय के दरबार में सेहरा बांधा जा रहा है नेमीनाथ भगवान को। नेमीनाथ भगवान बन्ना बने हैं। टीका लगाओ आज, टीका लगाओ, टीका लगाओ आज, टीका लगाओ। इस बार दोनों हाथों खोलेंगे कि नेमीनाथ भगवान का दरबार है। भगवान नेमीनाथ के प्यार में बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। एक टीका लगाओ और टीका लगाओ, टीका लगाओ और टीका लगाओ, मत बाला बन्ना, अरे मत बाला बन्ना, मंद मंद मुस्कान, मत बाला बन्ना, मंद मंद मुस्कान, अरे मंद मंद मुस्काया, मंद मंद मुस्काया, हरियाणा बन्ना सहन मान के आया, हरियाणा बन्ना सहन मान के कर आया। अरे आज महल में धूम मची है, धूम मची है, आज महल में धूम मची है, आज महल में धूम मची है, हरियाणा बन्ना, हरियाणा बन्ना, मन वाला बन्ना सज धज कर आया, मतवाला बन्ना सज धज कर आया।
संगीतकार को दे दें। आइए भाइयों, भगवान नेमिनाथ की बारात शेरीपुर से चल रही है जूनागढ़ की ओर, और सारा का सारा ये शेरीपुर सजाया गया है और जूनागढ़ को भी सजाया गया है। और किस तरह भगवान नेमिनाथ की बारात आती है, नीम जी दूल्हा बन के, प्रभु जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, नीम जी दूल्हा बन के, शोरीपुर से चले बराती सजे सजे के, नीम जी दूल्हा बन के, नीम जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, प्रभु जी दूल्हा बन के, हर शोरीपुर से चले बराती बन के, प्रभु जी दूल्हा बन के, प्रभु जी दूल्हा बन के। सभी को फ्री नहीं होना है, बहुत बड़ी बारात है ये, 56 करोड़ बारात है कोनी भाई साहब। अरे झूला बने के प्रभु जी, झूला बने के, झूला बने के प्रभु जी, झूला भाई देवी रात भगवान की बारात है, आगे जाइएगा बोले देवी रात भगवान की। अरे शोरी पुर से चले बराती सच्चे सच्चे के, प्रभु जी झूला बने के, देवी जी झूला बने के। बराती आए संग में कृष्ण मुरारी, छप्पर कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी, नेमिनाथ की छवि को लगे, नेमिनाथ की छवि को लगे, झूला पर पल आदि नेमि झूला बज के, नेमि जी झूला बज के, झूला बज के प्रभु जी झूला बज के। अरे चूनागढ़ में आए बराती सज धज के, प्रभु जी झूला बज के। भाई एक बार ना दोनों हाथ उठा लेके हमारी बहने भाई लोग, सभी लोग ना दोनों हाथ को उठाएंगे, आए झूला बज के, प्रभु जी झूला बज। अब जो है नेमिनाथ की ओर से ये कहा गया, क्या कहा गया, अरे राज तुम्हारी कमारी रह जाती, अरे राज तुम्हारी कमारी रह जाती, अरे मानो ने भी ऐसा के ने मिले हाथ जली, अरे मानो ने भी ऐसा के ने मिले हाथ जली, अरे राज तुम्हारी। श्री कृष्ण भी देवी नाथ के साथ में आए हुए हैं, राज तुम्हारी है, राज तुम्हारी, राज तुम्हारी कमारी रह जाती, राज तुम्हारी कमारी रह जाती, अरे मानो अजी मानो ने भी का ऐसा कि राज ने हाथ दे दी, मानो ने भी का ऐसा कि ने भी ने हाथ दे दी। जब ये बात बन्नी पक्ष सुनता है, जब बन्नी पक्ष सुनता है तो बन्नी पक्ष कहता है, क्या कहता है, नेमी तुम्हारा, ए नेमी तुम्हारा कमारा रह जाता, नेमी तुम्हारा हो रहे हैं। कृष्ण जी शाम की बंसी बज रही है, सुखी की चैन की बंसी बज रही है, और नेमी पक्ष के लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राजुल की सहेलियों, अरे राजुल की सहेलियों हम जो सिर पर आएंगे, राजुल की सहेलियों हम जो सिर पर आएंगे, राजुल लेने आए हैं तुमको भी ले जाएंगे, राजुल लेने आए हैं तुमको भी ले जाएंगे, अरे तुमको भी ले जाएंगे, राजू तुम्हारी, ए राजू तुम्हारी कमारी रह जाती, राजू तुम्हारी कमारी रह जाती, मानो ने भी कहा ऐसा कि ने भी मेरा कर
सारी की सारी तैयारी रह जाती, सारी की सारी तैयारी रह जाती। अरे मानो नेमी का ऐसा के नेमी ने हाथ दे दी, मानो नेमी का ऐसा के नेमी ने हाथ दे दी। राजल तुम्हारी कमारी रह जाती, राजल तुम्हारी कमारी रह जाती। अरे मानो नेमी का ऐसा अब सारे बराती आ जाएंगे। हेलो, तो का किरण कंदन देख करके ये नेमी नाच का थोड़ा आ रहा है। सुन रहे हैं पशुओं की आवाज सुन रहे हैं। ओ एक 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 तो बिना पूछ का है, बिना पूछ का। ये बकरी बिना पूछ की। सारथी, सारथी, रथ रोको सारथी। क्या क्या हुआ महाराज? क्या कुछ अशुभ संकेत है? मैं कह रहा हूँ ना, रथ रोको। ये इन पशुओं का करुण क्रंदन, यह तो मेरे मन को विचलित कर रहा है। सारथी रथ रुकवाओ, जरा देखो ये करुण क्रंदन, ये पक्षियों की आवाजें, पशु पक्षियों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जी हाँ, महाराज यह आवाजें मूक पशुओं की है जो कि उधर से आ रही है। वहां से आ रही है, परंतु इन पशुओं को यह बांधा क्यों है? किसने इन्हें बांधने का आदेश दिया है? हाँ याद आया, यह पशु आपके भ्राता की आज्ञा से यहाँ पर बांधे गए हैं। भ्राता श्री की आज्ञा से? परंतु क्यों? भ्राता श्री ने इन पशुओं को बांधने का आदेश दिया है क्यों? इन पशुओं का करुण क्रंदन,
यह मेरे मन को विचलित कर रहा है, यह तो मेरे मन को विचलित कर रहा है। यह सही नहीं है, यह नहीं, यह गलत है। नहीं, अच्छा अब समझ आया, भ्राता श्री को मेरे रहते अपने पाठ राज्य पाठ का डर सता रहा होगा। तभी उन्होंने मेरे लिए मेरे वैराग्य का निमित्त किया है, मेरे वैराग्य का निमित्त किया है। परंतु बात जो भी हो, इन पशुओं के रोने का एकमात्र कारण तो मैं ही हूँ। मेरी ही वजह से इन पशुओं को पीड़ा सहनी पड़ रही है। आओ, सारथी, सारथी, और रथ चल देता है। चलो, रथ गिरनार की ओर मोड़ चलो सारथी। नेमी कुमार के माता पिता को कैसे ही पता चलता है? नेमी कुमार के माता पिता को कैसे ही पता चला कि मूक पशुओं की आवाजें सुनकर पुत्र नेमीनाथ के मन में वैराग्य उमड़ रहा है, तो इस कारण उन्होंने अपना रथ रुकवा दिया। और माता क्या कहती हैं? नेमी कुमार, नेमी, ये क्या करने जा रहे हो? क्या हुआ, क्यों कर रही हो ऐसा? माता श्री, इन पशुओं का करुण क्रंदन यह मेरे मन को विचलित कर रहा है। माँ, यह मेरे मन को विचलित कर रहा है। पुत्र, जूनागढ़ के महल तक पहुंच कर लौटना क्या शोभनीय है? सभी लोग क्या कहेंगे? अरे प्रिय नेमी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे नाजुक क्षण में आप रथ को मोड़ के लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं नेमी कुमार, ऐसा ना करें। आपके माता पिता पर कैसे क्या बीतेगी? और राजुल, राजुल का क्या होगा नेमी कुमार? नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें। नहीं भ्राताश्री, नहीं, वजह जो भी हो, इन पशुओं के रोने का कारण मैं ही हूँ। मेरे ही कारण यह पशु रो रहे हैं। यह सही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है मैं निमित्त बना या बनाया गया? अब मेरा रथ जाएगा तो गिरनार ही जाएगा। जोरदार तालियां। सारथी, रथ गिरनार की ओर ले चलो सारथी। नेमी कुमार, रुक जाओ। नेमी, नेमी मत जाओ पुत्र, अपनी माँ को यह भी लगता है, मत छोड़कर जाओ। नेमी मत जाओ, नेमी रुक जाओ, नेमी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा बोला, रुक जाओ, रुक जाओ, नेमी रुक जाओ, मत जाओ, नेमी, नेमी मत जाओ, नेमी, नेमी रुक जाओ, रुक जाओ, नेमी। मोड़ दिया रथ को नेमी ने, मोड़ दिया रथ को, मोड़ दिया रथ को नेमी ने, मोड़ दिया रथ को। गिरनारी की लीनी डगरिया, गिरनारी की लीनी डगरिया, तोड़ दिया कंदना नेमी ने, तोड़ दिया कंदना नेमी ने, तोड़ दिया कंदना नेमी ने, तोड़ दिया कंदना। और मोड़ दिया रथ को नेमी ने, मोड़ दिया रथ को, मोड़ दिया रथ को नेमी ने, मोड़ दिया रथ को। चल दिए गिरनार डगरिया, चल दिए गिरनार डगरिया, सूनी हो गई मन की नगरिया, सूनी हो गई मन की नगरिया, मोड़ दिया रथ को नेमी ने, मोड़ दिया रथ को, मोड़ दिया रथ को नेमी ने, मोड़ दिया रथ को, और मोड़ दिया रथ को नेमी ने,
मोड़ दिया रथी को। और गिरनार की ओर रथ आ जाता है। एक और तो नेमी कुमार गिरनार जा रहे हैं और दूसरी ओर राजूपुर के अंतरपुर का दृश्य देखते हैं। इधर राजुल खड़ी इंतजार कर रही है। सखी देखो तो सखी, ये नगर द्वार पे शोर कैसा, कोई अशुभ संकेत प्रतीत होता है। राजकुमारी राजकुमारी, अनर्थ हो गया। क्या, शीघ्र कहो सखी, मेरा हृदय कंपित हो रहा है। अब तुम्हारे प्राणनाथ नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नेमीनाथ ने अपना रथ लुटवा लिया है। लोग पशुओं की पीड़ा दे, नेमीनाथ के वन में वैराग्य उमड़ पड़ा और वे गिरनार की ओर चल दिए। नेमी वन की ओर बढ़ चले राजकुमारी। ये क्या कह रही हो सखी, ऐसा मंगल शब्द मत कहो सखी। मेरा मेरे को छोड़कर नहीं कैसे जा सकते हैं सखी, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वह अवश्य आएंगे नहीं सखी, वह अवश्य आएंगे। नेमी पिया नेमी पिया नेमी पिया, राजू पुकारे सुबह शाम। नेमी पिया राजू पुकारे सुबह शाम। नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम, नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम। नेमी पिया राजू पुकारे सुबह शाम। नेमी पिया राजू पुकारे सुबह शाम। नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम, नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम। माँ ये सखी कैसी बातें कर रही है माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ अगर उन्हें विवाह स्वीकार ही नहीं था माँ, तो वह आए ही क्यों? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो दहलीज पर आते ही उन्होंने अपना रथ मुड़वा लिया? इसका उत्तर तो उन्हें देना ही पड़ेगा माँ, देना ही पड़ेगा। राजुल मेरी फूल सी कोमल, राजुल संभालो अपने आप को पुत्री। ये कैसी विपदा आ पड़ी पुत्री, ये कैसी विपदा आ पड़ी। समय की विचित्रता को समझो मेरी पुत्री, तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा। परंतु नेमी कुमार, परंतु कैसे माँ कैसे? भारतीय नारी एक बार वर अपना जिसे मान लेती है उसका जन्मों जन्मों का संबंध हो जाता है। जिनके नाम की मेहंदी मेरे हाथों पे रची है उसका वियोग मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ माँ, कैसे बताइए माँ। नेमी कुमार तो इस भव से मोक्षगामी होंगे, ये तो निश्चित ही था। तो हमारी पुत्री राजुल का विवाह क्या उनसे उचित था? बोलिए महाराज बोलिए बोलिए। शांत हो जा पुत्री, शांत हो जा। थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक ही था। और नेमी कुमार विवाह के लिए तैयार ना हो ऐसी भी कोई बात नहीं थी, उन्होंने तो स्वयं विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था। अचानक उनके हृदय में क्या चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, इसका किसी को पता नहीं था। परंतु पिताश्री क्या उन्होंने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा? बोलिए पिताश्री बोलिए। पुत्री दुखी मत हो पुत्री, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। और वैरागी होना तो अच्छा ही है, उत्साह का प्रतीक है। किसको पता था कि नेमी कुमार का वैरागी होना हमारे लिए दुखदाई हो जाएगा। पिताश्री
भले ही मैंने अपने स्वामी का मुख नहीं देखा, परंतु मैं उन्हें हृदय से स्वीकार चुकी हूँ। पिताश्री, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह अवश्य आएंगे। मैं जाकर उन्हें रोकती हूँ, वह अवश्य आएंगे। और राजुल नेमी के पीछे पीछे उन्हें ढूंढने के लिए चल देती है। रुकिए स्वामी। राजुल, तुम यहाँ क्यों आई हो? स्वामी, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? स्वामी, आप वैराग्य के पद पर क्यों अग्रसर हो चले? स्वामी, राजुल, वास्तव में तो मेरा वैराग्य का निर्णय लेना तो परम सुख की खोज है, जो कि केवल वैराग्य से ही मिलती है। इसलिए मुझे वैराग्य के पद पर जाने दो राजुल, मुझे जाने दो। परंतु स्वामी, मैं आपको अपना मान चुकी हूँ। स्वामी, आप क्या भवों का बंधन आप कैसे तोड़ के जा सकते हैं? स्वामी, कैसे? राजन, मोक्ष प्राप्ति तो केवल वैराग्य से ही मिलती है, इसीलिए मैं वैराग्य के पद पर अग्रसर हूँ। अब मेरा निर्णय कोई नहीं बदल सकता। अपने अंदर झांको राजन, अपने भीतर पहचानो। नेमी से मोह के कारण नहीं, अंतर मन की शांति से देखो। राजन और नेमी, हाँ, राजुल कहते हैं, हे नाथ, मुझे आप छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा ना करें नाथ, मेरी नौ भव की प्रीत है आपसे। हे स्वामी, ये राजुल की प्रार्थना स्वीकार कीजिए नाथ। राजुल को छोड़ करके ना जाएं। तब राजुल कहती है, नौ भव के साथी मेरे नेमी पियाजे, रुक जा न जा हमें छोड़ के। नौ भव के साथी मेरे नेमी पियाजी, रुक जा न जा हमें छोड़ के। तब नेमीनाथ भगवान राजुल को समझाते हुए कहते हैं, हे राजुल, किस प्रीत की बात कर रही हो? कौन से भव की बात कर रही हो? तब नेमीनाथ भगवान राजुल को समझाते हुए कहते हैं, सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना। सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना। मैं तो जाऊंगा तुझे छोड़ के, ओ मैं तो जाऊंगा तुझे छोड़ के। तब राजू कहने लगी, हे नाथ, इस सजावट का क्या होगा? इतिहास क्या कहेगा स्वामी? ये राजुल केवल आपके लिए सजी है नाथ। तब राजुल कहती है, मेहंदी तेरे कारण मैंने हाथों में रची, और ऐसी क्या के मन में तेरे नेमी बसी। मेहंदी तेरे कारण मैंने हाथों में रची, और ऐसी क्या के मन में तेरे नेमी बसी। बस चुप ही रहना अब कुछ ना कहना। ना जा मेरा दिल तोड़ के, नौ भव के साथी मेरे नेमी पियाजी, रुक जा ना जा हमें छोड़ के। तब नेमीनाथ भगवान राजुल से कहते हैं, हे राजुल,
सुख दुख अब तजो राजुल, सुख दुख सब अब तजो राजुल, निज आत्म को भजो राजुल, सुख दुख सब अब तजो राजुल, निज आत्म को भजो राजुल, निज आत्म को भजो राजुल। मैं गिरनारी जाऊंगा कर्म सब नशाऊंगा, गिरनारी जाऊंगा कर्म सब नशाऊंगा, इन पशुओं के बंधन को खोल के सारा जग सपना है कोई नहीं अपना, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। राजू, नेमी से मोह के कारण नहीं, नेमी से मोह के कारण नहीं, बल्कि बल्कि आत्म शांति से उसके बारे में सोचो राजुल। चलो तुम भी मेरे साथ, तुम भी मेरे साथ चलो राजुल, परम सुख की खोज में चलो। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो चलने दे जिस पथ पे चले, जिस पथ पे चले उस पथ पे मुझे, मुझे साथ तो चलने दे जिस पथ पे चले, घर बार तजू आरी का बनू, मुझे साथ तो चलने दे जिस पथ पे चले उस पथ पे मुझे, मुझे साथ तो चलने दे, मुझे साथ तो चलने दे। हे प्रभु, हम तो नौ भव के साथी थे ना, आप दसवें भव में मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं स्वामी? आपने एक बार तो कहा होता मैं खुशी खुशी आपके साथ चल देती, आप मुझ नारी को अबला समझकर क्यों जा रहे हैं स्वामी, क्यों? यदि ऐसा ही है तो मैं भी आर्य का दीक्षा धारण करूंगी, मैं भी आपके पद चिन्हों पर चल के दीक्षा बनूंगी। अब मेरा मेरी डोली जाएगी तो गिरनार ही जाएगी, और आपकी शिष्य बनकर मैं आपके साथ चलूंगी स्वामी, आपके साथ चलूंगी। और नेमीनाथ भगवान गिरनार की ओर चल देते हैं और राजुल भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चल देती है। और वस्त्र आभूषण त्याग देते हैं, वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं, आभूषणों का भी त्याग कर देते हैं और चले जाते हैं गिरनार की ओर। पीछे पीछे राजुल भी, जिन्होंने कभी कदम नहीं रखे थे एक राजकुमारी होते हुए भी, इन पत्थरों में नेमी के साथ साथ चल रही हैं। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर, बदल चले मुनि राज रे नेमी और राजुल ने, त्याग का मार्ग अपनाया रे,
संयम का मार्ग अपनाया रे, संयम का मार्ग अपनाया रे। महलों का सुख छोड़कर जिन बलों के मार्ग पर, महलों का सुख छोड़कर जिन बलों के मार्ग पर, बल तो चले मुनिराज रे, नेमी गए गिरनार रे, नेमी गए गिरनार रे, नेमी गए गिरनार रे। ये चार हस्तियां हैं जिन्होंने इस नाटिका को पूरा का पूरा अपने डायलॉग लिखे, अपनी मेहनत की और सारा का सारा प्रोग्राम इन्हीं की वजह से तैयार है। कुछ लोगों के हमारे पास सुझाव आए नवीन छादर में नाटक कंपनी खोली जा सकती है। ये चार बड़े कलाकार। अच्छा, इसके लिए कुछ हमारे पास राशि आई है। एक तो हमारे मनोज जैन मिलन के जो मंत्री हैं, इन्होंने इनसे प्रसन्न होकर के 500 रुपए की राशि दी है, और एक 1000 रुपए की राशि जो है प्रवीण जी जो के 13 में ही रहते हैं, के 18 में, तो एक उनकी तरफ से भी आई है। दो जनों ने खुश होकर के इन्हें ये राशि बच्चों को प्रदान की है। चल देते हैं गिरनारी की ओर। तब राजुल कहती है, क्या कहती है राजुल? कह रही है नेमीनाथ भगवान से। नेमीनाथ भगवान और राजुल दोनों जा रहे हैं गिरनार की ओर। तब राजुल कहती है कि खूब रे, कि खूब रे राजुल थारी, मारा नेमी सो कहियो कि मैं था के पीछे आऊंगी थे देखता रही हो, मैं था के पीछे आऊंगी थे देखता रही हो। अरे खूब रोए राजुल थारी, ओ खूब रोए राजुल थारी, और महारा नेमी सो कहियो मैं था के पीछे आऊंगी थे देखता रही हो, मैं था के पीछे आऊंगी थे देखता रही हो। तब नेमीनाथ भगवान कहने लगे राजुल को समझाते हुए, तू खूब रोले अब ना लौटू, तू खूब रोले अब ना लौटू, आसरा में मत रहियो, देख राजुल हम ना लौटेंगे तू देखती रहियो, देख राजुल हम ना लौटेंगे तू देखती रहियो। लेकिन राजुल कहां मानने वाली थी, वो नेमीनाथ भगवान के पीछे पीछे चल देती है और गिरनार की ओर पहुंच जाते हैं। बोले श्री नेमीनाथ भगवान की जय हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।